अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है चिकन डिनर रोल्स। चिकन डिनर रोल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले डो रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में मैदा, अंडा, ऑयल, नमक, चीनी और यीस्ट शामिल करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे नीम गरम दूध से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिले। आटा गून चुका है, अब इस पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब डो को कवर कर देंगे और एक घंटे के लिए रेस्ट देंगे। फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऑयल डालेंगे। अब इसमें चॉप लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम एक मिनट के लिए पकाएंगे। कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे, इसे भी एक मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें बॉइल्ड और श्रेड की हुई चिकन ऐड कर देंगे। सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। सब मसालों को भी मिक्स कर लेंगे। दूध में मैदे को घोल के शामिल करेंगे। और मायोनीज ऐड करेंगे। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे। से ओवर कुक नहीं करेंगे। चिकन फिलिंग रेडी है, अब फ्लेम को बंद कर देंगे। घंटा हो चुका है और डो राइस हो चुकी है। अब इसके डिनर रोल्स रेडी करेंगे। नीट करेंगे। इसे हम 8 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। अब एक पोर्शन लेंगे, नीट करेंगे। आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। सेंटर में फिलिंग रखेंगे। और इसे इस तरह से उठाकर फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। इसी तरह से सारे रोल्स को रेडी कर लेंगे।
अंडे की जर्दी और दूध के मिक्सचर को ब्रश की मदद से डिनर रोल्स पर लगा देंगे। थोड़े से तेल स्प्रिंकल करेंगे। आप इसे पतीले या ओवन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें बेक कर सकते हैं। डिनर रोल रेडी हो चुके हैं। अब ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं ये डिनर रोल्स। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो तैयार हैं बहुत ही मजेदार से चिकन डिनर रोल्स। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।